अगली खबर आ रही है सीधी जिले से, जहां शनिवार को फूड पॉइजनिंग से 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सभी ने मेले में चाट फुल्की खाई थी, जिसे खाने के आधे से एक घंटे बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। लोगों को चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगी, वहीं कुछ लोग बेहोश होकर गिर भी गए। यह देख मेले में अफरा तफरी मच गई। बीमारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिल ले जाया गया, जहां अस्पताल में जगह कम होने पर 20 को रेफर किया गया है। मामला रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र खेड़ा में सोन नदी के पास का है। यहां संक्रांति का मेला लगा हुआ है, जिसमें शनिवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लोगों ने मेले में लगी दुकानों से चाट फुल्की खाई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें रामपुर नैकिन ले गए। अचानक इतनी ज्यादा संख्या में मरीज आने से अस्पताल में बेड भी कम पड़ गए। मरीजों को 10 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस के जरिए रामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग खुद भी अस्पताल पहुंचे। बीमारों में ग्राम पंचायत क्षेत्र कुआं भीतरी ममदर व झलवार के लोग ज्यादा हैं। मरीजों के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में वहां मौजूद नर्स और कंपाउंडर के अलावा स्वीपर भी मरीजों के इलाज में जुट गए। मामले की जानकारी जैसे ही आसपास के क्षेत्र के लोगों को लगी, वैसे ही समाज सेवी, पुलिस तथा जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। सभी बीमार व्यक्तियों का इलाज जारी है। यहां से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सहित 20 लोगों को रेफर किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी हमारा फोकस उपचार करने पर है, बीमारों के बारे में कुछ समय बाद ही बता सकेंगे। अस्पताल में शाम 7:30 बजे से मरीजों का पहुंचना शुरू हुआ था, हालांकि डॉक्टर वहां रात करीब 9:30 बजे पहुंचे। समाज सेवी व वकील महेंद्र प्रताप शुक्ला ने बताया कि रामपुर में अब तक करीब 150 लोग पहुंच चुके हैं, जिनकी हालत खराब है। यहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, सभी नर्स व बाकी कर्मचारी इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया है कि यहां परिस्थितियां अभी काबू में है, कोई ज्यादा बीमार नहीं हुआ है, हम सबकी मदद कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। एक आदमी चढ़ जाओ, एक आदमी चढ़ जाओ अंदर। बाबू हर सबसे जितने भी बीमार अपने पास आए हैं, सूचना आई है, लगातार एम्बुलेंस या पुलिस का वाहन भेज करके बुला लिया गया है और उनका लगातार ड्रिपिंग की जा रही है। डॉक्टर साहब उनका लगातार डॉक्टर और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ लगा हुआ है। अभी डॉक्टर साहब से चर्चा मेरी हुई है, मुताबिक चर्चा कोई भी ऐसा बंदा नहीं, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो सीरियस कंडीशन में हो, और लगभग जो जितने पहुंच चुके हैं यहाँ उनका सबका इलाज जारी है। करीब 200 की संख्या में यहाँ ग्रामीण है, पुलिस बल भी मौजूद है, कैसी व्यवस्था कर रहे हैं सर? बस भीड़ आम जन जो आए हुए हैं उनसे यही बस रिक्वेस्ट, उनको समझाइश दी जा रही है कि हॉस्पिटल के अंदर भीड़ न लगाएं, ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की स्थिति नहीं है, सब नॉर्मल स्थिति है। अभी लोग जरूर आए हुए हैं, जितने पेशेंट आए हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है, कोई भी पेशेंट सीरियस कंडीशन या क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। बस वहाँ एक के साथ तीन तीन चार चार लोग, पाँच पाँच लोग आ रहे हैं थोड़ा सा, तो इस बदौलत माहौल ऐसा भीड़ का बन रहा है, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को समझा के बाहर रखा जाए।
कल रात्रि को करीब 8:45 बजे संभागायुक्त महोदय का ऐसा निर्देश हमारे अधिकारियों के पास आया कि उन्होंने बताया कि जिले सीधी में रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत किसी जगह पर किसी संक्रांति के मेले में कोई फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ हुई है, वहाँ भर्ती हैं, तो आप अपनी तैयारी करें। और एक टीम उन्होंने निर्देश दिया कि भेजें वहाँ, ताकि वो स्पॉट पर भी यदि कोई सीरियस हो तो उसको तत्काल राहत पहुँच सके। तो उनके निर्देश पाते ही हमारे जो मैनेजमेंट रिस्पांस टीम है वो एक्टिवेट हुई, और हमने यहाँ से एक टीम रवाना की थी। मेडिसिन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में वो गए थे और रात में पहुँच गई थी टीम हमारी वहाँ। ऐसा बताया कि वहाँ 100 से के आसपास की संख्या में मरीज थे, ऐसा बताया है। और वहाँ से फिर लेकिन ऐसा किसी को नहीं पाया गया कि कोई बहुत गंभीर हो, हालांकि उनमें से कुछ मरीज़ों को तकलीफ़ ज़्यादा थी तो उनको यहाँ भेजा गया था। हमारे यहाँ कुल 6 मरीज़ आए थे जो सीधी से यहाँ रामपुर नैकिन से भेजे गए थे। उन 6 मरीज़ों में भी यहाँ उनका प्राथमिक उपचार वगैरह करके रात में मैनेज किया गया और वो सभी अभी ठीक हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से ज़्यादातर उनमें से जा भी चुके हैं वापस अपने घर की ओर। 3 जिसमें बच्चे थे, 1 नाबालिग बच्ची थी और 2 एडल्ट थे, ऐसा है। ये तो संख्या आपको रामपुर नैकिन से ही एग्जैक्टली पता लग पाएगी कि इनकी कुल संख्या कितनी थी। हमें जानकारी मिली थी करीब 100 सैकड़ा भर लोग वहाँ ग्रसित हुए हैं।